गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। कुछ शख्सियत ऐसी भी हुआ करती हैं जिन्हें हम चाह कर भी भुला नहीं सकते और हम उन्हें किताबों के माध्यम से जिंदा रखते हैं। हमारे बीच एक महान क्रिकेटर मौजूद था लेकिन हम उसे ठीक से पहचान नहीं पाए। उससे ठीक से पहचान कराने के लिए एक किताब लिखी गई ताकि वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रह सके। वो किताब लिखने वाली ये है। मैं पूरी क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से इनको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। अर्जुन एक ऐसा नायाब हीरा था जो हमारे बीच मौजूद था लेकिन हम उसे परख नहीं पाए। रिटायर होने की उम्र में उसने अपने करियर की शुरुआत की और दुनिया के लिए मिसाल बनकर अपनी छाप छोड़ गया। कामयाबी हर एक को नसीब नहीं होती, हजारों लाखों में से किसी एक को मिलती है। अर्जुन की कहानी उस कामयाब इंसान की नहीं है बल्कि उस नाकामयाब इंसान की है जो नाकाम होने के बाद भी बार बार कोशिश करता रहा। बहुत अफसोस होता है कि जिसे अपने दौर के सितारों के साथ कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए था वो उस मैच को जिताने के बाद पता नहीं हमारे बीच से कहां गुम हो गया। मुझे पुराने BCCI डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने की अनुमति है इसीलिए मैंने लिस्ट निकाली 1996 रणजी फाइनल्स के बाद की। उसमें से जो लोग भी इंग्लैंड टूर के लिए इंडियन टीम में सिलेक्ट हुए थे और आपको जानकर शायद ये आश्चर्य हो कि अर्जुन को उस टीम में सिलेक्ट किया गया था और अगर वो उस टीम में खेलता तो 40 साल की उम्र में खेल की शुरुआत करने वाला दुनिया का सबसे पहला खिलाड़ी होता। लेकिन अफसोस उसकी दुनिया बिखर के रह गई। मैं अब अर्जुन के बेटे को स्टेज पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हमारे पास इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ है जो हम इस फैमिली को देना चाहते हैं। जाओ बेटा। थैंक यू। हेलो अंकल। ये तुम्हारे लिए है। जर्सी। टीचर कहती है चोरी करना बुरी बात है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि लोग मुझे चोर का बेटा कहें। आपने अपने घर में चोरी की। आई हेट यू पापा। आप अच्छे पापा नहीं हो। पापा मुझे माफ कर देना। आओ बेटा लोग इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। आज से 23 साल पहले जब मैं 6 साल का था तो अपने बर्थडे पर मैंने पापा से इंडियन जर्सी मांगी थी पर वो उस वक्त नहीं दे पाए। मेरे पापा वादों के बहुत पक्के इंसान थे। देखिए ना, इस दुनिया में ना होने के बावजूद उन्होंने अपना वादा निभाया। आई मिस यू डैड। मेरे पापा की दुनिया सिर्फ मैं था लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने पापा को जीते जी मार डाला। मैंने उन्हें नाराज किया, उनकी बेइज्जती की ये कहकर कि वो चोर हैं। मेरी वजह से उनकी दुनिया बिखर कर रह गई और आज मुझे उस गलती का एहसास हो रहा है। मेरी नजरों में हीरो बनने के लिए उन्होंने दोबारा खेलना शुरू किया। आज सुबह मैच के बाद मेरे बच्चे का सर फक्र से ऊंचा हो गया था। अब चाहे कुछ भी हो जाए सर, मैं फिर खेलना चाहता हूँ। अगर कोई और उनकी जगह होता तो शायद डिप्रेशन में चला जाता लेकिन मेरे पापा एक फाइटर थे। उन्हें हालात का सामना करना अच्छी तरह से आता था। 40 साल की उम्र में मैदान में वापस आकर उन्होंने बता दिया कि वो एक असली हीरो हैं। उनकी तबीयत ठीक ना होने के बावजूद भी वो मेरी वजह से मैदान में उतरे और एक जांबाज खिलाड़ी की तरह ये तेरे लिए जॉनी अपनी जान पर खेलकर रणजी ट्रॉफी लेकर आए। आइए मैं आप सबको मेरे पापा यानी कि एक महान खिलाड़ी से मिलवाता हूं। दो ट्रिपल सेंचुरीज, 7 डबल सेंचुरीज, 36 सिंगल सेंचुरीज, 78 हाफ सेंचुरीज, उस समय के महान बैट्समैन मेरे पापा अर्जुन। सारा मेरी माँ अर्जुन पापा से बेइंतहा मोहब्बत करती है।
पापा। तुम लोग चैन से सोने भी नहीं देते। मेरी 8 o'clock की शिफ्ट है। 1 घंटा और सोने दो प्लीज। जॉनी प्लीज शोर मचाना बंद करो। बस घर पिटवाएगा क्या? पता है ना? फ्राइडे है। वो मुझे भी पता है। डेट क्या है? 10 जुलाई है। उस दिन मेरे चैंपियन जॉनी का बर्थडे है। पापा, स्कूल टीम में मेरा स्कोर सबसे ज्यादा है, फिर भी मूर्ति सर ने विशाल को कैप्टन बना दिया। ऐसा क्या? हाँ पापा, और उसके पास इंडियन जर्सी भी है, टीम से भी फुल सपोर्ट है। हर मैच में ना वो जर्सी पहन के स्टाइल मारता है। पापा सुन रहे हो ना? अगर मेरे पास भी वो जर्सी होती ना तो मैं ही टीम का कैप्टन होता पापा, है ना पापा? अगर आज मैं टीम में होता तो ये जर्सी का मोहताज ना होता। जॉनी, एक अच्छे खिलाड़ी को हमेशा खेल पे ध्यान देना चाहिए, इस चीज पे नहीं कि किसने क्या पहना है। गेम पर ध्यान दो बेटा। टीम का कैप्टन सिर्फ अच्छा प्लेयर ही नहीं बल्कि एक अच्छा लीडर भी होना चाहिए, और ये जो कोच होते हैं ना, ये अच्छा लीडर ही ढूंढते हैं, समझा? छाजा मैदान पे जा, जल्दी पैर चला, बाद में स्कूल भी जाना है। रास्ते में स्पोर्ट्स शॉप पे भी तो टाइम जाएगा। तेरे लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है ना? सच में जैसी ला के दोगे ना पापा? जॉनी, अभी तो आपका हाथ भी मेरे सर पर है, तो इसीलिए प्रॉमिस हो गई है। और देखो मेरे फिंगर्स भी क्रॉस्ड है। अगर आपने ये प्रॉमिस तोड़ी तो मैं और भगवान दोनों आपसे नाराज हो जाएंगे, और आप तो कभी मुझे नाराज नहीं करते। जर्सी के लिए कुछ करना पड़ेगा। गेम देखते देखते सोचता हूँ। चंगा खेल रहा है ना जी? बॉयफ्रेंड है मेरा। कभी मेरे गेम पे भी कोई मरती थी? आई चक्के फट्टे, सुपर, एक चौकोर जमा दे। ये छोकरी क्यों चिल्ला रही है? अब चिल्लाई तो कान पकड़ कर बाहर कर दूंगा। तेरा पुत्र कोच नहीं वॉचमैन होना चाहिए था इन्नू। तुम्हारे बॉयफ्रेंड में टेक्निक की कमी है, उसका फुटवर्क ठीक नहीं है, लेग स्पिन पर आसानी से आउट हो सकता है। मुझे हल्के में ले रही है, अब कैसे बताऊं कि मैं चैंपियन रह चुका हूं? बड़ा आया, खुद को गावस्कर समझ रहा है। तुसी सही बोल रहे हो। आउट हो गया ये तो। इधर काली सुबानी ली, उधर उसकी डंडी उड़ी, रायता फैल गया। सोचा तो 2-4 कवर ड्राइव लगा के मुझे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएगा, अब तो रिक्शा में ही जाना पड़ेगा। चलो। तुम आउट क्यों हुए मैं तुमको बताती हूँ। देखो अगली बार अगर बाउंस बॉल आए ना तो घुटने के बल बैठकर फिर शॉट मारा करो, और अगर बॉल फास्ट होना तो आंख बंद करके एक पैर उठा के फिर मारने का। क्या ये बकवास किसने बताई? मैंने पता है। अच्छा लूजर, चलो
हेलो चैंपियन, कैसे हो तुम? ठीक हो सर, पर आप तो जानते हैं जमाना हो गया गेम छोड़ के, फिर भी आप चैंपियन बोल बोल के ताना मारते हैं। अरे ताना नहीं मार रहा हूँ, हमारे क्रिकेट क्लब में तुम जैसा स्टाइलिश बैट्समैन कौन है बताओ? तुम्हें तो इंडियन टीम में खेलना चाहिए मेरे बच्चे। जाने दो ना सर, क्यों याद दिला रहे हो? कैसे जाने दो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट टीम में ट्रिपल सेंचुरी, 3 डबल सेंचुरी, 28 सेंचुरीज, 65 हाफ सेंचुरीज और सेंचुरी। बीवी कैसी है तुम्हारी? बीवियों जैसी है। अच्छी लड़की है, उसे भी तेरा गेम बहुत ज्यादा पसंद है। नमस्ते साहब। सारा सामान आ चुका है ना? हाँ साहब आ गया। अंदर वॉचमैन से चाबी ले लो और स्टोर रूम में रखवा दो। ठीक है साहब। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आ रही है, इंडिया से वनडे इंटरनेशनल खेलने के पहले हैदराबाद क्लब से उनका चैरिटी मैच होगा, उसी की अरेंजमेंट चल रही है। इंडिया की तरफ से जब तुम खेल रहे थे तब 5 छक्के मारे थे। यादों पे जमी धूल कब तक हटाते रहेंगे? वो यादें ही तो होती हैं जिसके सहारे इंसान जिंदा रहता है। उन यादों के आशियाने को मैं तोड़ चुका हूं। उसे तुमने तोड़ा नहीं बल्कि छोड़ के भाग आया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्लब में असिस्टेंट कोच की जगह खाली है जिसके लिए तुम परफेक्ट हो, और मैं चाहता हूं वो जगह तुम्हें ही मिले। सर मुझे क्रिकेट छोड़े 10 साल हो चुके, क्रिकेटर तो बन नहीं पाया, अब उसी जगह पर असिस्टेंट बन के घूमूं ये मुझे मंजूर नहीं। एक बार और सोच कर देखो, जब तुम ग्राउंड के अंदर होते हो तो तुम्हारे चेहरे की चमक ही अलग होती है। वो चमक मैंने पिछली बार देखी थी जब तुम 94 रन पर खेल रहे थे और आखिरी बॉल पर तुमने जो बल्ला घुमा के छक्का मारा था। गेंद को बॉलर के ऊपर से उछाल दिया है 6 रनों के लिए। अब देखो क्या बोलते हैं। अरे नो डाउट पक्का तेरा। कांग्रेचुलेशंस, आप सिलेक्ट हो गए। थैंक यू, मुबारक हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओए कांग्रेचुलेशंस, ओए तू सिलेक्ट हो गई। बात है ओए, अब तू लगा चौके छक्के। कांग्रेचुलेशन यार, आज पार्टी चाहिए। सिर्फ पैसे और सिफारिश का खेल चल रहा है यहां, रातों रात लिस्ट बदल दी गई। पता है तुम इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट हो चुके थे, लेकिन स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे को तुम्हारी जगह दे दी उन बेईमानों ने। अरे पागल हो गए हो क्या तुम? हाँ ये इस तरह का पागलपन करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इससे पहले भी तो रिजेक्ट हो चुके हो ना? हाँ बर्बाद होना चाहते हो? अच्छा देखो बेटा, इंटरनेशनल खेलना है तो थोड़ा बहुत वक्त तो लगेगा, अभी और कई पड़ाव पार करने हैं तुम्हें। 30 साल का हो चुका हूँ सर, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है, अगर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान दिया तो वो तो भूखे ही मर जाएगी, और 1 साल की तपस्या मुझसे नहीं होगी सर, ये फिर मुझे रिजेक्ट कर देंगे। अगले साल रिजेक्ट हो गए तो फिर कोशिश करना, क्रिकेट छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। सोच नहीं रहा हूँ सर, मैं छोड़ चुका हूँ। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन रुको। क्या ढूंढते रहता है इस तस्वीर में? इन फोटोज में ना आप हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए देखता हूँ। पापा हम सच में स्पोर्ट्स शॉप जा रहे हैं ना? ये! जाके देखो नया बैट आया क्या, तब तक जर्सी ले लेता हूँ। ओके पापा। अच्छा अर्जुन, जॉनी की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ग्राउंड से आ रहे हो ना? इंडियन टीम की जर्सी। हाँ है ना, एकदम ओरिजिनल लिमिटेड एडिशन, बहुत डिमांड है उसकी। अच्छा कितने की पड़ेगी? 500 रुपया। परसों जॉनी का बर्थडे है, वही जर्सी मांग रहा है, अभी थोड़ी तंगी चल रही है, तो आप मुझे जर्सी दे दीजिए, मैं पैसे का बंदोबस्त कर दूंगा। देखो अर्जुन, मेरी शॉप का भाड़ा है 10,000, ऊपर से मैंने बैंक से लोन भी लिया है, फिर वर्कर की सैलरी, मेंटेनेंस, ये सब मिला के 20,000 होता है। खुद को मेरी जगह रख के देखो, दे पाओगे तुम? तुम सच में अच्छे प्लेयर हो अर्जुन, तुम्हारी इज्जत करता हूँ मैं, और इसीलिए तुमको ना कहने में शर्म आ रही है। पापा जर्सी ले ली? अरे जॉनी बेटा, तुम्हारी साइज की स्टॉक में है नहीं, कल तक आ जाएगी, पापा ले आएंगे। हाँ ये पोस्टर बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल। जीते रहो पुत्र।